हेलो माई नेम इज अंतन आई उल बी टीचिंग यू फिजिक्स फिजिक्स में जो पहला मीनिंगफुल चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन एन में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स नाम दिया गया है अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में इसका नाम अलग अलग है बट जनरली इस चैप्टर में यूनिट्स डायमेंशन और एरर्स को लेकर हम डील करेंगे सो लेट सी दिस चैप्टर इन डिटेल सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वॉट इज अ फिजिकल क्वांटिटी तो इसका आंसर है हर वो चीज जो मेजर की जा सके उसे फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है तो कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी है जैसे आपकी हाइट आप उसे मेजर कर सकते हो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है आपका वेट फिजिकल क्वांटिटी उसको मेजर कर सकते हैं टाइम को मेजर कर सकते हैं टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स को मेजर कर सकते हैं प्रेशर को मेजर कर सकते हैं हर वो चीज जिसे मेजर किया जा सके जिसकी रीडिंग ली जा सके उसे फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है एक एग्जाम्पल आपको देता हूं फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप को आप मेजर नहीं कर सकते कोई किसी का कितना फ्रेंड है ये आप नहीं बता सकते आप फ्रेंडशिप को मेजर नहीं कर सकते वो एक फीलिंग है सो फ्रेंडशिप इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी यू कैन नॉट मेजर लव आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तुझसे दस किलो प्यार करता हूं नो वी कैन नॉट मेजर लव सो इवन लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है हर वो चीज जिसे मेजर किया जा सके फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बिना यूनिट के फिजिकल क्वांटिटी का कोई मीनिंग नहीं रहता अगर मैं कहूं चार दूध लेके आओ तो इसका कोई मीनिंग नहीं है लेकिन अगर मैं कहूं चार लीटर दूध लेकर आओ तो इसका मीनिंग है तो जब भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो उसके लिए हम यूनिट का हेल्प लेते हैं सो टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी टेक द हेल्प ऑफ यूनिट्स लेंथ को मेजर करना है तो मीटर का हेल्प लेंगे टाइम को मेजर करना है तो सेकंड का हेल्प लेंगे मास को मेजर करना है तो केजी का हेल्प लेंगे इसका मतलब है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस चीज की हेल्प ली जाती है उसे यूनिट कहा जाता है फिजिक्स में यूनिट तीन टाइप के हैं। पहला है फंडामेंटल यूनिट दूसरा डिराइव्ड यूनिट और तीसरा सप्लीमेंट्री यूनिट सो लेट अस सी इन डिटेल तो देखते हैं फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होते हैं जो और किसी यूनिट पे डिपेंड करते ही नहीं है तो दीज यूनिट्स डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट ये इंडिपेंडेंट होते हैं किसी और पे डिपेंड करते ही नहीं है इन्हें बेसिक यूनिट्स भी कहा जाता है ओके टोटल सात फंडामेंटल यूनिट्स हैं देर आर सेवन फंडामेंटल यूनिट्स सबसे पहला है सबसे पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है मास मास और किसी पे डिपेंड नहीं करता मास बस मास है सो मास मासज नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज सो मास इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और मास की यूनिट है किलोग्राम सो किलोग्राम इज द फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट दैट यू हैव लर्न टूडे तो फिजिकल क्वांटिटी है मास और पहली फंडामेंटल यूनिट है किलोग्राम दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में सो मीटर इज ए फंडामेंटल यूनिट टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड में सो टाइम इज ऑल्सो ए फंडामेंटल यूनिट टाइम भी किसी और पे डिपेंड नहीं करता टाइम भी टाइम सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है चौथी फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर में फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पीयर। अगली फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर आप लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर किया होगा आपने स्कूल में या डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया होगा जब बुखार मेजर करते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में भी टेम्परेचर मेजर होता है लेकिन टेम्परेचर का जो फंडामेंटल यूनिट है उसे केल्विन कहा जाता है इसकी जो SI यूनिट है वो यूनिट SI क्या है हम थोड़ी देर में करेंगे. तो केल्विन SI तो क्या होता है ये डिटेल हम हीट में पढ़ेंगे जब हम हीट के बारे में पढ़ेंगे जब फिजिक्स में हम हीट के बारे में पढ़ेंगे तब हम थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर और केल्विन के बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे फिलहाल आपको बस इसका नाम याद होना चाहिए अगली फिजिकल क्वांटिटी है अगली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट लूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है लाइट कितनी ब्राइट है लाइट की ब्राइटनेस इस ब्राइटनेस को कैंडेला में मेजर किया जाता है हम इस लूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट और कैंडेला को डेप्थ में पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में जो अगली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसे मेजर किया जाता है मोल में इसके बारे में डेप्थ में केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है ओके सो मास लेंथ और टाइम तो सबको पता है करंट हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर के बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे हीट सेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ लाइट ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे ऑप्टिक सेक्शन में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल इसे पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में फिलहाल के लिए आपको ये सात फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी फंडामेंटल यूनिट्स बाय हार्ट होनी चाहिए सो यू आर सपोज टू रिमेंबर ऑल द सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड दे आर फंडामेंटल साइंटिफिकली अप्रूव्ड वर्ल्ड वाइड फॉलोड फंडामेंटल यूनिट्स जो नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट है उसे कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स को छोड़ के बाकी सारी यूनिट्स डिराइव होती है यूनिट्स so, उन सात को छोड़ के आपको जितने भी एग्जाम्पल पता है वो सब डिराइव यूनिट्स में आएंगे फोर्स प्रेशर एरिया वॉल्यूम चार्ज रेजिस्टेंस ये सब डिराइव्ड फिजिकल क्वान्टिटीज फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है न्यूटन एक डिराइव्ड यूनिट है प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है पास्कल भी एक डिराइव्ड यूनिट है एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर एक डिराइव्ड यूनिट है वॉल्यूम को मेजर किया जाता है मीटर क्यूब में मीटर क्यूब डिराइव्ड यूनिट है सिमिलरली चार्ज को मेजर किया जाता है कूलम में कूलम एक डिराइव्ड यूनिट है रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है ओम में ओम एक डिराइव्ड यूनिट है तो so, हर वो फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरों पे डिपेंड करती है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है सात फंडामेंटल को छोड़ के बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ते हो वो डिराइव्ड होती है थर्ड टाइप ऑफ यूनिट जो तीसरी टाइप ऑफ यूनिट है वो होती है सप्लीमेंट्री यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट सिर्फ दो होती है प्लेन एंगल को रेडियन में मेजर किया जाता है और सॉलिड एंगल को स्टी रेडियन में मेजर किया जाता है तो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है पहली है प्लेन एंगल और इस क्वांटिटी की यूनिट है रेडियन दूसरी है सॉलिड एंगल इसकी यूनिट है स्टी रेडियन अब हम डेप्थ में समझते हैं ये क्या है लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ व्हाट इज अ प्लेन एंगल व्हाट इज अ सॉलिड एंगल व्हाट इज अ रेडियन व्हाट इज अ स्टी रेडियन अब इसे डेप्थ में समझते हैं तो हम समझते हैं प्लेन एंगल और रेडियन क्या होता है प्लेन एंगल आप जो बचपन से प्रोटेक्टर की मदद से बनाते आ रहे हो प्लेन एंगल है।, so, है ये प्लेन एंगल है सो दिस एंगल एंगल इज अ प्लेन अब तक आपने टेंथ में ज्योमेट्री में जितने भी एंगल्स पढ़े हैं सब प्लेन एंगल है लेकिन आप बचपन में प्लेन एंगल को डिग्रीज में, में मेजर करते थे थर्टी डिग्री का एंगल फोर्टी डिग्री का एंगल नाइन्टी डिग्री का एंगल तो यू आर यूज टू डिग्रीज आपको डिग्रीज की आदत है लेकिन अब हम प्लेन एंगल को डिग्रीज में मेजर नहीं करेंगे अब हम प्लेन एंगल को मेजर करेंगे रेडियन में तो आखिर रेडियन क्या होता है इसे समझते हैं रेडियन को समझने के लिए सबसे पहले एक सर्कल बना सर्कल so, तो हमारे पास एक सर्कल है इस सर्कल का एक सेंटर है सपोज ये सेंटर है ओ ओ इज सेंटर नाउ वी विल ड्रॉ द रेडियस दिस इज द रेडियस आर अब हम एक और रेडियस बनाएंगे हमने दो रेडियस बना दी इसका भी वैल्यू आर ही होगा ऑफकोर्स रेडियस तो हर जगह सेम ही होती है दिस इज रेडियस आर दिस इज रेडियस आर यहां से लेके यहां तक यहां से लेके यहां तक इस पूरी चीज को बोला जाता है आर्क आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कल सर्कल के इस पार्ट को बोला जाता है आर्क ओके एल आर्क मतलब लेंथ ऑफ आर्क मतलब यहां से लेके यहां तक ये एक आर्क है अगर लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस हो जाए यानी अगर ये पांच सेंटीमीटर है ये पांच सेंटीमीटर है और अगर ये जो आर्क है ये भी पांच सेंटीमीटर हो जाए अगर लेंथ ऑफ आर्क बिकम्स इक्वल टू द रेडियस तो ये जो बीच का एंगल है इसे वन रेडियन कहा जाता है वन तो रेडियन क्या है वन रेडियन इज इक्वल टू एंगल सब्टेंडेड बाय एन आर्क इट इज इक्वल टू एंगल सब एंगल बाय द आर्क। वन रेडियन इज इक्वल टू एंगल सब्टेंडेड बाय एन आर्क और इस आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल तो अब आपको समझ में आया वॉट इज वन रेडियन अगर ये रेडियस है ये रेडियस है और इस आर्क का लेंथ भी रेडियस जितना हो जाए तो इस एंगल को वन रेडियन कहा जाएगा ओके okay? और रेडियन का फॉर्मूला कुछ इस तरह का है देंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा द लेंथ ऑफ आर्क ज गिवन बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय थीटा यहां पे आर रेडियस है और थीटा है एंगल और ये एंगल डिग्रीज में मेजर नहीं किया है ये एंगल मेजर किया है रेडियन में सो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू आर थीटा अगर लेंथ ऑफ आर्क रेडियस जितनी हो जाए अगर ये लेंथ ऑफ आर्क रेडियस जितनी हो जाएगी तो लेंथ ऑफ आर्क को आई कैन सब्सिट्यूट एज आर लेंथ ऑफ आर्क को आर सब्सिट्यूट कर दिया इक्वल टू आर थीटा आर से आर कट जाएगा थीटा विल बिकम इक्वल टू वन रेडियन सो व्हाट इज वन रेडियन वन रेडियन वो एंगल है जो एक आर्क सबटेंड करता है सर्कल के सेंटर पे और उस आर्क की लेंथ होनी चाहिए रेडियल जितनी ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा ओके लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा आर रेडियस है थीटा इज दी एंगल इन रेडियंस और ये एल आर्क का भी वैल्यू लिख देता हूं एल आर्क मतलब लेंथ ऑफ आर्क तो अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क पता है तो आपको एंगल मिल जाएगा अगर एंगल पता है तो लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगा हमें जब एंगल मेजर करते हैं हम तो हमें डिग्रीज की आदत है लेकिन अभी अभी मैंने रेडियन समझाया तो अगर मैं बोलू टू रेडियंस तो तुरंत समझ में नहीं आता कितना एंगल है पर अगर मैं बोलूँ नाइन्टी डिग्रीज तो तुरंत पता चल जाता है मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ सो तो हमें ना डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए तो डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है अब हम वो देखेंगे हमने हम जब बहुत छोटे थे एट नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमने ये पढ़ा था दैट द लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन बाय द फॉर्मूला थीटा विच इज इन डिग्री अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू टू पाई आर ये फॉर्मूला ज्योमेट्री में हमने एट नाइन टेन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन बाय थीटा बाय 360 सिक्सटी इंटू टू पाई आर यहाँ पे थीटा डिग्री में लेते थे, थे हम एट नाइन टेंथ में सो अकॉर्डिंग टू एट नाइन टेंथ का फॉर्मूला ज्योमेट्री का फॉर्मूला बचपन का फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन बाय थीटा इज इन डिग्रीज अपॉन बाई थी इंटू टू पाईन और अभी अभी हमने पढ़ा लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा इन रेडियंस इन आर लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू आर थीटा अभी अभी पढ़ा लेकिन इस फॉर्मूला में थीटा किस में होता है रेडियन में इक्वेशन टू इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों के एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी सेम होना चाहिए देयर फोर थीटा इन डिग्रीज अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू टू तो तो पाई आर इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड थीटा इन रेडियन सो so, ये आर से ये आर कट हो जाएगा टू वन जा, वन एट्टी जा, सो वॉट इज थीटा इन रेडियन थीटा इन रेडियन या एंगल इन रेडियन इज एंगल इन डिग्री यानी कि डिग्री को लो उसे पाई से मल्टीप्लाई करो और वन एट्टी से डिवाइड कर दो यानी कि अगर आपको रेडियन पता करना है तो रेडियन इज इक्वल टू डिग्री इन टू पाई बाय वन अगर आपको एंगल पता है डिग्री में तो आपको एंगल पता चल जाएगा रेडियन में ओके सो दिस इज अ वेरी सिंपल रिलेशन और बाय हार्ट रखना है मैथमेटिक्स में भी ये रिलेशन बहुत काम में आता है द एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू द एंगल इन डिग्री By pi by 180। अब इस डेरिवेशन पे इस फॉर्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो ये चार एंगल्स हमें दिए हमें इन्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को पाई से मल्टीप्लाई करना है और 180 से डिवाइड करना है तो देखते हैं थर्टी डिग्री का क्या आंसर होगा तो पहला आंसर निकाल रहा हूं थर्टी डिग्रीज इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ रहा है ठीक है इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको पाई मल्टीप्लाई कर दो और 180 से डिवाइड कर दो तो 30 वन सा थर्टी सिक्सा कितना हो गया पाई बाई सिक्स देर फोर थर्टी डिग्रीज इज इक्वल्स टू पाई बाई सिक्स रेडियन दूसरा क्वेश्चन सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री इज इक्वल्स टू डिग्री वाला एंगल लो पाई से मल्टीप्लाई करो 180 से डिवाइड कर दो 61 वन सा सिक्सटी जा तो 60 डिग्री हो गया पाई बाई थ्री रेडियंस तीसरा क्वेश्चन नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री इज इक्वल्स टू नाइन्टी मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय वन एट्टी वन ज़ा टू ज़ा तो नाइन्टी डिग्री हो जाएगा पाई बाय टू रेडियम और 180 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 एट्टी इंटू पाई बाय वन एट्टी तो जो वन एट्टी डिग्री हो जाएगा पाई रेडियंस ओके तो अगर डिग्री है उसको बस पाई से मल्टीप्लाई करो और वन एट्टी से डिवाइड कर दो तो रेडियन मिल जाता है अब बहुत बच्चों का डाउट ये होता है यहां पे पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन डालनी है क्या या थ्री पॉइंट वन फोर डालनी है क्या डाल सकते हो आपकी मर्जी लेकिन कोई जरूरत नहीं है नो वन विल गिव यू बाई टू रेडियन रॉन्ग कोई भी पाई बाई टू रेडियन को रॉन्ग नहीं बोलेगा की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है अब हम स्टैंडर्ड में नहीं है अब 3.14 की वैल्यू को पुट करने की कोई जरूरत नहीं है वी आर हैप्पी आप में आ गए हो तो हम यह मान लेंगे दैट यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पाई तो पाई की वैल्यू 3.14 पॉइंट वन बाई सेवन डालने की कोई जरूरत नहीं है यहां पे अपना आंसर छोड़ दोगे तो इट्स अंडरस्टूड अगला क्वेश्चन है हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो जब डिग्री को कन्वर्ट करते थे तो पाई से मल्टीप्लाई करते थे वन एट्टी से डिवाइड करते थे इसमें उल्टा करेंगे वन एट्टी से मल्टीप्लाई करेंगे पाई से डिवाइड करेंगे सो पाई बाय वन फिफ्टी रेडियन को डिग्री बनाना है तो डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे डिग्री बनाने के लिए रेडियन को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई से डिवाइड कर देंगे पाई और पाई कट गया 15 वन द फिफ्टीन थ्री जीरो तो ये आ जाए 12 तो पाई बाई फिफ्टीन रेडियन इज 12 डिग्रीज ये पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पाई बाई एटीन रेडियन इज अगर इस रेडियन को हटाना है तो 180 से मल्टीप्लाई करना है और पाई से डिवाइड करना है एटीन वन सा एटीन टेन सा टेन डिग्री और तीसरा क्वेश्चन पाई बाई फोर रेडियन वन एट्टी से डिवाइड करना है सॉरी मल्टीप्लाई करना है पाई से डिवाइड करना है वन एट्टी डिवाइड बाई फोर इज फोर्टी फाइव तो इस तरीके से हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं जो अगली सप्लीमेंट्री यूनिट थी वो थी स्टी रेडियन या सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल को स्टी रेडियन में मेजर किया जाता है अब सॉलिड एंगल होता क्या है आ, कभी आपने रास्ते से चने वगैरह खाए हैं तो वो एक जो चने बेचता है वो एक कौन टाइप बना के देता है कौन टाइप चीज आपको बना के देता है तो ये देखिए चने वगैरह बेचता है या जो भेलपुरी बेचता है वो इस तरह का एक कौन टाइप चीज आपको बना के देता है अब ये जो आप अंदर का एंगल देख रहे हो ये अंदर का एंगल ये अंदर जो भी एंगल है इसे प्लेन एंगल नहीं कहा जाता है ये एक थ्री एंगल है थ्री डायमेंशन एंगल है ये अंदर का एंगल इसे प्रोटेक्टर से मेजर नहीं कर सकते इस अंदर के एंगल को ये जो एंगल, एंगल अंदर बन रहा है थ्री डायमेंशनल एंगल इस एंगल को स्टी रेडियन कहा जाता है तो स्टी रेडियन एक थ्री एंगल है आप जिस जिस भी घर में बैठे हो जिस भी रूम में बैठे हो उसके कॉर्नर में देखो कॉर्नर में तीन दीवारें मिल रही होंगी वो जो तीन दीवारें जहां मिल रही है वहां पे जो एंगल बन रहा है वो स्टी रेडियन है वो सॉलिड एंगल है वो एक प्लेन नहीं है तीन तीन प्लेन वहां मिल रहे हैं तो जब मल्टीपल प्लेन अलग अलग एंगल पे मिलते हैं वो एक थ्री डायमेंशनल एंगल बनाते हैं जिसे स्टी रेडियन कहा जाता है ये जो एंगल है मेरे हाथ के अंदर का एंगल ये सॉलिड एंगल है अगर मैं हाथ पे ये एंगल बना दूं, ये प्लेन एंगल है ये प्लेन एंगल लेकिन मेरा हाथ ये जो बना रहा है ये जो एंगल है ये सॉलिड एंगल है तो थ्री एंगल को सॉलिड एंगल कहा जाता है सॉलिड एंगल को स्टी रेडियन में मेजर करते हैं। तो सपोज हमारे पास एक स्पीयर है उस स्पियर का एक छोटा सा एरिया मैंने सिलेक्ट किया ओके, दिस इज ए स्मॉल एरिया ऑन दी स्पीयर का सरफेस स्पीयर के सरफेस का एक छोटा सा एरिया मैंने ले लिया और यह सेंटर स्पीयर का तो ये जो कोण बन रहा है दिख रहा है ये कोण ये जो कौन बन रहा है ये कोन के अंदर का जो एंगल है इसे सॉलिड एंगल कहा जाता है और इसे मेजर किया जाता है स्टी रेडियन में स्टी रेडियन का सिंबल है ये जिसे आप ओम कहते हो यह ओम नहीं है इसे ओमेगा कहा जाता है ओके कैपिटल सिंबल है यह इट इज कॉल्ड एज ओमेगा तो स्टी रेडियन का फॉर्मूला है स्टी रेडियन इज ये जो छोटा सा एरिया है इसका नाम दे देते हैं डी ए डी का मतलब छोटू सा ये जो स्मॉल small, डी लिखा है मतलब छोटू सा डी ए का मतलब है छोटू सा एरिया तो एंगल इन स्टी रेडियन कौन सा एंगल सॉलिड एंगल तो सॉलिड एंगल इन स्टी रेडियन का फॉर्मूला है, जो है DA, by, ये जो एरिया है डी ए डिवाइडेड बाय ये रेडियस है ये भी रेडियस है डिवाइडेड बाय द रेडियस का स्क्वायर। तो so, ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है तो सॉलिड एंगल इज गिवन बाय एरिया सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल इज फोर पाए स्टी रेडियंस ये आपको याद रखना है एमसीक्यू में पूछा जाता है मैक्सिमम वैल्यू सॉलिड एंगल की होती है फोर पाइज रेडियंस इस फॉर्मूले की मदद से हम एरिया ऑफ स्पीयर भी निकाल सकते हैं ओके तो व्हाट इज एरिया ऑफ ये देखो एरिया इज सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर बराबर ना एरिया आर स्क्वायर यहां चला जाएगा एरिया इज सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर स्पीयर स्पीयर का टोटल सॉलिड एंगल होता है फोर पाए स्पीयर का जो टोटल सॉलिड एंगल होता है मैक्सिमम सॉलिड एंगल फोर पाए इसीलिए एरिया ऑफ स्पीयर होता है फोर पाई आर स्क्वायर तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये कोई, ये कोई पूछता नहीं है एग्जाम में ये बस मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया मेन इंफॉर्मेशन यहां तक है तो स्टी रेडियन किसे मेजर करने में इस्तेमाल होता है सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल का कैसा दिखता है थ्री दिखता है उसका फॉर्मूला क्या है सॉलिड एंगल स्टी रेडियन एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर और सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू फोर पाई स्टी रेडियन होता है